मां दे नाल जूनी मिलिए मनुख दी हुंदी ना म्याद कोई नदी कंडे रुख दी जी कर मां दे नाल जूनी मिलिए मनुख दी हुंदी ना म्याद कोई नदी कंडे रुख दी हां बंदिया तू छड हां बंदिया तू छड संग बुरिया दी टाणी दा चौना दे तू सुख कर जाप गुरबाणी दा चौना दे तू सुख कर जाप गुरबाणी दा चौना दे तू सुख कर जाप गुरबाणी दा कदी मन विच मारे तू आया केड़े कम जरा बैठ के विचारे तू ओ बंदे आजे जाती कदी मन विच मारे तू आया केड़े कम जरा बैठ के विचारे तू ओ ठंडे मन नाल सोचे जिंदगी दे वारे तू हां ठंडे मन नाल सोचे जिंदगी दे वारे तू पता लगू ताइयों हां पता लगू ताइयों तैनू असल कहानी दा चौना जे तू सुख कर जाप गुरबाणी दा चौना जे तू सुख कर जाप गुरबाणी दा चौना जे तू सुख कर जाप गुरबाणी दा Thank you.
गुरु बिना सारिया परीता ये थे कच्चिया करियो नबेड़ा थोड़े दिल नू दे दच्चिया जी गुरु बिना सारिया परीता ये थे कच्चिया करियो नबेड़ा थोड़े दिल नू दे दच्चिया हाय आख दाप मदी गल्ला सोला ने सच्चिया हाय आख दाप मदी गल्ला सोला ने सच्चिया पढ़ गुरबाणी हां पढ़ गुरबाणी जानो जिंदगी नू जानी दा चौना दे तू सुख कर जाप गुरबाणी दा चौना दे तू सुख कर जाप गुरबाणी दा चौना दे तू सुख कर जाप गुरबाणी दा परम सत्कार जोग सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन दरबार में संगत रूप में जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु खालसा जी समा मिले ऐतवार के दिन के दीवान में आप जैसी रब स्वरूप संगतां दे दर्शन दीदार करदे आप जी नाल चंद मिनटां लई समय लई गुरमत दे विचारां दी सांझ करा इस तों पहलां कि अपने विचार इतिहास की लड़ी द्वारा कहने आरंभ करा आप जी नूं फतेह अर्ज करके आप जी कोलों कुछ कहण दी आग्या मंगदा हाँ फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कला बल अपना सफर जारी रखे भावे कि भी हालातों में गुजरना पवे डेढ़ लाख के करीब नौजवान शहीद हो चुके ने इस धर्म की रक्षा करते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने पुत्रा नूं शहीद करवा के माछीवाड़े की धरती तो आए हैं तो हुण अगांह का सफर कर रहे हैं सच की यह सच बोलना बड़ी चंगी गल है सच बोलन का संदेश धर्म देंदा है लेकिन याद रखना सच बोलन वालों बहुत बारी औखिया मंदलों में औखिया घाटिया निकलना पैंदा अज का एक शहर है सुरजीत पात्र ना है बड़ी बार तुम किताबों में हर पढ़े हो गए गजलां पढ़िया होनगियां उन्हें एक गल आखी है वह कहिंदा इन्ना सच ना बोल के कल्ला रह जावे चार क बंदे छड़ लै मोढ़ा देने लई सच बोलना दुनिया नूं अपनी विरोधता विच खड़ा करना हुंदा वह कहिंदा सच बोलोगे तो दुनिया तुहाडा विरोध करेगी लेकिन गुरु नानक का धर्म कहिंदा कूड़ नखुट्टे नानका ओड़क सच रहे सच सच रहेगा महाराज बाणी विच वचन करते ने सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान जे सच दे राह ते चलांगे ते जहान उस्तत करेगा अपनी आत्मा सुरखरू रखांगे हुण महाराज सच दे मार्ग ते चले ने ते सच एक शब्द है इहनूं पंजाबी दे उही दो अक्षर ते अधक लगदे लेकिन इहदे अर्थां विचों गल नूं विचारना पएगा कि असीं सच कदों बोलदे आ क्यों बोलदे आ तुसीं आखोगे सच दे वी रूप हुंदे ने क्योंकि सच के कुछ ऐसे शब्द लुके हुए ने देखने वाले सच लगता लेकिन सच के पिछे फरेब लुकया होंगे अज इतिहास में गल तुहाडे सामने प्रमाण के रूप चार है महाराज माछीवाड़े की धरती तो उच्च का पीर बन के चले ने तीन सिंह ने ते दो मुसलमान महाराज की अमदाद करते हैं पहली गल तो मेरे वर्गे प्रचारकों ने गल साबित कर दी असी कहना आरंभ कर दिता कि सतगुरां ने लड़ाइया मुसलमानों के वर खिलाफ लड़िया याद रखना महाराज की लड़ाई मुसलमानों के वर खिलाफ नहीं सगों सतगुरां की लड़ाई जुलमत अन्याय करने वाले ने वरखिलाफ है कई मुसलमानों ने सतगुरां का इन्ना सत्कार किया जिन्ना सत्कार शायद असी सिख भी नहीं कर सके हुण माछीवाड़े की धरती तो महाराज को अगह लैके जाने में दो मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है गनी खां ते नबी खां तीन सिंह ने भाई दयाल सिंह धर्म सिंह भाई मान सिंह महाराज को उच्च का पीर बना के लैके जा रहे सतगुरु पलंग उत्ते सवाए मान ने ते आउण वाले समय के हाकम कोतवाल सिपाही घेरदे ने पुछदे ने उन्हां मुसलमानों नूं कौन है जिहड़ा पलंग उत्ते बैठा है हुण गनी खां ते नबी खां नूं पता है कि पलंग उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे ने जे दुनियावी सच बोलना हुंदा ते उहनां नूं कह देना चाहीदा सी कि गुरु गोबिंद सिंह बैठा पलंग उत्ते हुण सच दा रूप वेखो किस पासे नूं अपना मोड़ कटेगा जे दुनियावी सच मूँह फट सच बोलना होवे ते उहनां नूं कह देना चाहीदा गुरु गोबिंद सिंह बैठा लेकिन उह कहिंदे ने नहीं इह साडे उच्च दे पीर ने सच दा इक रूप है उहनां दी उच्चता नूं भी कायम रख रहे ने लेकिन समय के नाल नाल सच का पक्ष भी पूरते हैं तो दूजे बन्ने एक छोटा जा प्रमाण है छोटे साहबजादे ते बिरध माता गुजरी उन्होंने गंगू अपने घर में लै गया हुण वह गंगू जाके मुरिंडे के थाने एक शिकायत करता सिपाहियों को कोतवाल को कह लगा कोतवाल साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बिरध माँ तो वो छोटे साहबजादे मेरे घर में ने हुण वेखण वाले बंदे नूं सच लगता झूठ तो नहीं बोलता ना है तो सच ये गल
सचमुच माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे उसके घर विच ने ते मुरिंडे दे थाने विच जाके उस सच बोलता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बिरध मां ते छोटे साहबजादे मेरे घर विच ने। हुण की इस सच नूं सच मन्नोगे? यह सच ओ तां बोलता क्योंकि उसके पिछे लालच काम करता है, जे इन्हां नूं गिरफ्तार करा देवां ते मैनूं बहुत वड्डा इनाम मिल जाएगा। इहदा मतलब उहदा सच लालच उत्ते खलोता है, लालच लई सच बोलता है। ते दूजे बन्ने सत वह जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठा वो कहिंदे ने नहीं साडे उच्चे पीर ने। इन दोनों सवालों से मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन पाउंदा। सच कदों बोलिया जाता है, क्यों बोल रहे हैं? साढ़े सत बोलने नाल समाज में की होगा? हुण सतगुरु तुरदे तुरदे गां बड़ा लंबा पिंड तय करके रायकोट पहुंचे ने। रायकोट अज वर्गा शहर नहीं, उत्थे जंगल बियाबान है। राय कले की रियासत महाराज ने जाके जंगल में डेरा ला दिता। तो जंगल में डेरा लाया तो उत्थे मझां चारदा चारदा एक होर मुसलमान आ गया। इतिहास में उसका नाम आता नूरा। मझां चारन का एक कम करता नौकर है राय कले का, इन्हें इतिहास में कहते हैं नूरा माही। एक छोटी जी गल होर करनी वाजिब रहेगी तुहाडे नाल। साडा सारिआं दा जोर लग्या होया भी साडे बच्चे किसी तरीके सिख बन जाण। जदों मैं छोटे छोटे बच्चों के सिर ते जूड़े कीते वेखदा हाँ तो मेरे मन में बड़ी खुशी होंदी है, तो मेरा सिर उस बच्चे की माँ के चरणों में झुक जाता है। तन है भैण तू जिन्हें अपने बच्चे नूं सिक्खी नाल जोड़ के रखे। इस मुल्क में आके दुनियावी काम करद्या तू बच्चे दे केस सवार के रखे ने, जूड़ा कर दी है, पटका बंधी है, रुमाल बंधी है। तन है भैन तू तेरे सिक्खी विच पाए योगदान नूं दुनिया याद रखे। ते जे बच्चा सवाल कर देवे पापा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जदों प्रकाश होया तो सब तो पहला किनू पता लग्या? उन्हां दी पहचान सब तो पहला किने करी? उन्हां नूं इह गल जानण वाला कौन सी जिन्हें सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाबत एक अगमी दास्तान लोगों दुनिया के लोगों नूं आखी कौन सी? कि असी अपने बच्चे नूं उहदा जवाब दे देंगे, दस देंगे ना कौन है? असी लोग प्रचारक लोग कहने कि महाराज ने लड़ाइया मुसलमानों के वर्खिलाफ लड़िया। तो याद रखियो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सब तो पहली पहचान करने वाला कोई सिख नहीं, ना कोई गुरु परिवार का मैंबर है, ना कोई गुरु का रिश्तेदार है, कोई एक मुसलमान फकीर है। उसका नाम है सैयद भीखण शाह। पटने तो हजारा मील दूर बैठा उस दिन अपने चेलियां नूं कहिंदा कि अज साडा खुदा काबे की थां मक्के की थां ते अज साडा खुदा पटने विच आ गया। जोत दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की गुरु नानक की दसवीं जोत आउंदी है, लेकिन इहदी सब तो पहली खबर एक मुसलमान नूं हुंदी है। इह साडे धर्म की विशालता है, इह साडे धर्म की वह गल है जिहनूं जिद्दां माण नाल आख्या जाए उन्ना माण थोड़ा है। ते हुण इह मुसलमान नूरा माही मझां चारदा चारदा महाराज का दीदार करदा है। महाराज का दीदार करन तो बाद प्रभावित होंदा है, इहदा जी करदा है नूरिया जीरा दीदार तू कर रहे हैं ते दर्शन कीते हैं, तेरी आत्मा नूं शांति मिलती है। जिंदगी विच कई बंदे तुहानूं ऐसे मिलणगे जदों उन्हां दे नेड़े जाओगे तुहानूं इक अजीब तरह का सुकून मिलेगा, आनंद आएगा। कई बंदे ऐसे मिलणगे जदों उन्हां दे नेड़े खलोते होवोगे गल करो जां ना करो तुहाडा मन करेगा मैं परे चला जावां। इह उहदे विचले दैवी गुणां का एक बिंब हुंदा है, तुहाडे उत्ते असर पाउंदा है, बगैर बोलिया असर पाउंदा है। महाराज का दीदार करके उसके मन में इच्छा पैदा होती है, यह कोई बादशाह है, जंग हार गया तो जंगल में पनाह लेके बैठे है। नूरिया इसकी सेवा कर, जब मुड़ के बादशाह ही मिल जाएगी तो तेन मूँह मंगया ना दे इनाम देगा। लेकिन जब उन्हें मुड़ के ध्यान नाल वेख्या की वेखदा, महाराज के चरणों में खून बहे दे निशान बाकी ने। इन्हें आख्या नहीं नूरिया यह बादशाह नहीं, यह तो कोई दरवेश है, फकीर है। लंबा पिंडा तय करके आया, ये पैरों के अटन दसते हैं, खून के बहे निशान दसते हैं, फकीर है, मंजिल करता है, तय करता है, इतने पहुंचा। नूरिया यह बादशाह है तां भी, जे फकीर है तां भी इहदी सेवा कर। फकीर की सेवा की भी व्यर्थी नहीं जाती, राजे की सेवा करी व्यर्थी नहीं जाएगी, सेवा कर। हुण नूरा महाराज के कोल पहुंचा तो कहन लगा सतगुरु सच्चे पातशाह मैं दसो आप जी की सेवा करा। सतगुरु कहिंदे ने नूरिया सेवा करनी है तो फिर सानू दुध छका दे, तू मझां चारदा ना सानू दुध छका दे। नूरा कहन लगा बेबस होकर महाराज दुध च छका देना, पर मेरे कोल कोई बर्तन नहीं, कोई भांडा नहीं, किहड़े भांडे विच दुध चोवां? जंगल है, बियाबान, दूर दूर तक दरखत ते खलोते ने, घाह फूस ते है, लेकिन बर्तन कोई नहीं, बगैर बर्तन तो दुध नहीं चोया जाएगा। महाराज ने अपने कोलों नूं इक बर्तन दिता है, इतिहास विच उहदा नां है गंगा सागर, गड़बे की शकल का, लोटे की शकल का एक बर्तन है। इहदे विच सुराख ने, इहदे विच मोरियां ने। गंगा सागर महाराज देख के कहन लगे ने नूरिया इहदे विच दुध चो लै। नूरा कहन लगा महाराज इहदे विच ते मोरियां बहुत ने, सुराख बहुत ने, सुराखां वाले भांडे विच जे दुध चोवांगा जिन्ना चोवांगा सारा थले धरती ते चो जाएगा, इहदे विच दुध ने रुकना नहीं। महाराज कहिंदे ने नहीं नूरिया तू चो के वेख दुध रुक जाएगा।
हुण नूरे नूं इक शक पई जिस गल दी मैं अपने मन विचों गवाही दिंदा सां फकीर है शायद इहदी कोई रमझ होवे। उहने अपनी गल नूं पक्कियां करन वास्ते दूजा सवाल महाराज अगे कीता, सतगुरु मैं मनदा हाँ भी इह सुराखां वाले भांडे विच दुध रुक जाएगा, लेकिन मैनूं इशारा करो किहड़ी मंझ दा दुध चोवां। जिहड़ी मंझ दा तुसीं इशारा करोगे उसे दा दुध चोवांगा। सतगुरां ने इक औसर झोटी वल इशारा कर दिता, नूरिया उस औसर झोटी दा दुध चो। हुण दोनों गल्लां ना होण जोग ने, ना मनण जोग ने, असंभव ने। कहण लगा महाराज इह हो नहीं सकदा, ना ते मैं हुण तक औसर झोटी दुध दिंदी वेखी है ते ना सुराखां वाले भांडे विच दुध रुकदा वेख्या। महाराज इह हो नहीं सकदा। सतगुरु कहिंदे ने नूरिया तूं करके वेख दोनों गल्लां होंदियां। इतिहास इस गल की गवाही देता है कि महाराज का हुक्म मन के नूरे ने मध नूं औसत चोटी नूं थापी मार के चोना शुरू किया, दुध दिता, उस गंगा सागर में दुध रुकया। महाराज ने छकया, सिंघां नूं छकाया। हुण नूरिया महाराज के चरणों से डिग के कहन लगा, सतगुरु तू तो खुदा है, क्योंकि बगैर खुदा तो यह कुछ हो नहीं सकता, बंदा नहीं कुछ कर सकता, रब कर सकता। हुण खुदा के चरणों में मैं नहीं जाना। सतगुरु कहिंदे ने नूरिया एक बार अपने मालिक को जाया, आग्या लैके आ जाई, ये गुरु नानक का कर है, किसी को आने से मनाही नहीं, जिहड़ा मर्जी आ जाए, लेकिन एक बार अपने मालिक तो आग्या लिया। हुण नूरे ने मझां छेड़ियां, जाके तवेले विच बंध दी बंध दित्तियां, ते अपने मालिक नूं लभदा है, मैनूं राय कला मिलदा है। अचनचेत राय कला अपने महलां विचों निकलिया, ते नूरे दी नज़र विच आया राय कला, दौड़ के कहण लगा, राय साहब अज मैं खुदा वेखे, अज मैं रब वेखे, आओ तुहानूं रब विखावां। ते जिवें अपने मालिक राय कले दे सामने खलो के नूरा माही सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दीदार करन बाबत कहन लगा, ओ दास्तान मेरे साथी तुहाडी सेवा विच इउं कहदे आ, राय साहब मैं जलवा तकिया जोत इलाही दा,
रहे सब मैं जलवा तकिया जो चलाही दा अपने हथी आप पिलाया आपे मैं जोया कहिंदा आपे मैं जोया उस लोटे विच जो शीशे को शेक पिया होया उस लोटे विच जो शीशे को शेक पिया होया आप खुदा है पात्र मेरी इस गवाही दा आप खुदा है पात्र मेरी इस गवाही दा रहे साहब मैं जलवा तकिया जोत इलाही दा रहे साहब मैं जलवा तकिया जोत इलाही दा ओ महापुरुष दी दीद नु लोकी पई तरस दी महापुरुष दी दीद नु लोकी पई तरस दी दुनिया ता तूफान उस दे चरण परस दी दुनिया ता तूफान उस दे चरण परस दी कीता अज दीदार पमती रुदर गाही दा मैं कीता अज दीदार पमती रुदर गाही दा रहे साहब मैं जलवा तकिया जोत इलाही दा रहे साहब मैं जलवा तकिया जोत इलाही दा रहे साहब मैं जलवा तकिया जोत इलाही दा नूरा कहन लगा रहे साहब अज मैं खुदा विखे आओ तुहानू खुदा विखा के लियावां हुण किसे मालक दा नौकर उहनू आखे मैं रब विखिआ कदे मालक मन्नेगा क्योंकि नौकर की कीमत साडियां नज़रां विच इक पशु तो ज़्यादा नहीं हुंदी असी पंजाब दी धरती ते रहण वाले लोग हाँ मैं अपनी अखां नाल गल वेखीए कि जिहड़े घर दा खाणा घर वाले परिवार वाले जिहड़ी रोटी खांदे ने नौकर नूं उहदे नाल दी रोटी भी नहीं दित्ती जांदी नौकर दी रोटी बहुत निकम्मी दित्ती जांदी है बहुत सारे लोकां विच गल हाले भी मौजूद है लेकिन जो जो जमाना तरक्की करता क्योंकि गरीबी अपने आप में एक बद नसीबी होंगी है जिन्हें लोगों ने गरीबी हटाई उन्होंने पता होंगे गरीबी की है एक पासे राय कला है राय कोट का मालिक एक पासे दा नौकर है मजा चारण वाला ते नौकर कहिंदा राय साहब मैं खुदा वेख्या है ते मुसलमान राय कला कहने लगा नूरिया पशुआं विच रहिंदा है डंगर चारदा है मजा चारदा तेरी अकल भी पशुआं वर्गी होगी वो भोलिया मुसलमाना का खुदा ते केवल काबे विच मुसलमाना ने जे खुदा का दीदार करना हो मक्के जाना पैंदे काबे जाना पैंदे इत्थे खुदा किवें आ जाएगा कहन लगा महाराज मैं वेख्या है ओदे हुक्म नाल मैं वेख्या उसर झोटी ने दुध दित्ता सुराखां वाले भांडे विच दुध रुकिया है राय कला कहन लगा मैं नहीं मनदा जदों बेवसी हो गई तो नूरे माही ने फिर एक आखिरी गल आखी कहन लगा राय साहब मैनू खुदा दी सौं मैं खुदा वेखे हुण धर्म की गल जिहड़ी ये राय कले दे सामने उहदा खलोता मालक उहदा नौकर कहिंदा है अज मैं खुदा वेख्या है हुण जदों सौं खाधी खुदा दी कह लगा राय साहब मैं खुदा दी सौ मैं खुदा वेख्या तो राय कला कह लगा चल फिर खुदा विखा मैं भी वेख लैना किहड़ा खुदा है हुण नूरा माही राय कले नूं नाल लैके उत्थे पहुँच गया जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह बैठे तो नूरे माही ने जाके आख्या महाराज ये मेरा मालक है राय कला राय कला आप जी का दीदार करने वास्ते आया है हुण नूरे माही ने महाराज के चरणों से मत्था टेकया तो राय कले ने भी मत्था टेकया दोनों ने सजदा किया नमस्कार किया हुण वेखण वाले बंदे नूं लगदी है गल कि दोनों बंदे महाराज नूं मत्था टेकदे ने लेकिन दोनों की आत्मा में फर्क है एक हिरदे करके मत्था टेक रहा एक केवल शरीर करके मत्था टेक एक दे हिरदे विच सत्कार है एक केवल परखण वास्ते आया है राय कले ने मत्था टेकिया महाराज नूं सेजा कीता ते अपनी जबान विचों गल आखी महाराज दसो की सेवा कर सकदे मेरे लायक सेवा दसो आप इत्थे जंगल विच क्यों बैठे हो आओ मेरे महलां विच चलो सतगुरु कहण लगे ने राय कले जे सेवा पुछीए ना महलों में नहीं जाना साडा परिवार सरसा के किनारे तो खेरू खेरू हो गया वड्डे पुत्र मेरी अखा ने सामने चमकौर में शहीद हो गए मेरे छोटे साहबजादे ते बिरध मां सानू पता लगे पहुंचे सन सहेड़ी उतों गए ने मरिंडे मुंडे मरिंडे तो गए ने सरहंद जे सेवा पुछी उन्हां दी खबर मंगा दे महाराज जिवें राय कले नूं सामने खलोते राय कले नूं अपने मुखार विचों चंद शब्द कहन लगे ने ओ दासन त्रिलोचन सिंह मंदी दा ढाडी जथा तुहाडी सेवा विच इउं कहिंदा
विछड़ के खबर मंगा दे तू माता सने मासूम विछड़ के खबर मंगा दे तू ਸਨ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲਿਆ ਹੁਣ ਹਾਰ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਬਲਵਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਟੇ ਮਿਟਾਈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਰ ਉਜਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਾਈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜੱਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ लेकिन सामने खलोते राय कले नूं इह गल कहिंदे ने राय कलिया सरहंद जा खबर मंगा दे ते परमात्मा दे हुक्म दी गल बारे मैनूं इक दो लाइनां चेते आईआं ने मैं आप जी नाल सांझियां कर लवां कि रब दा हुक्म है उहदे हुक्म नूं टालिया नहीं जा सकदा एक पंजाबी दा शायर है वजीदा उहने गल्लां लिखियां ने उह आखरी गल कहिंदा है वजीदा कौण कहे साहिब नूं इंज नहीं इंज कर स्पष्ट करता कि कई बार परमात्मा की ऐसा ऐसी रजामंदी होंगी है कि जो चतर बंदा है ना उन्होंने मूर्ख के घर जाके नौकरी करनी पैंदी है आम तौर पर चतर बंदे राज करते हैं तो मूर्खा की कोई कदर नहीं होंगी कहिंदा भी चतर करे मजदूरी मूर्ख दे जाए घर वजीदा कौन कहे साहब नूं इंज नहीं इंज कर एक अगली गल होर कहिंदा वह कहिंदा एक ना दे कर पुत पुता कर पोतरे एक ना दे कर पुत पुता कर पोतरे एक ना दे कर धी धियां कर दोतरे एक ना दे हुंदा एक ओ भी जांदा मर वजीदा कौन कहे साहब नूं इंज नहीं इंज कर हुण दुनिया नूं चलाउण वाला कलगी वाला पातशाह राय कले नूं दुनियावी तौर ते दुनिया नूं दसण वास्ते की होवेगा क्योंकि गल अपनी चली सी महाराज ने आखिया सी जीतो तेरे पुत्र मौत ना लावा लैणगे दो ते लै चुके ने ना हुण दो दी गल लैण वास्ते पता खबर लैण वास्ते महाराज जिवें राय कले नूं तोर रहे ने ते कह रहे ने कुछ शब्द आओ आखरी पंक्तियां दो तीन मिनट विच मेरे साथी कहिंदे आ रहे ने काबले गौर लैंदा ने ते काबले गौर अंदाज जरा गौर फरमाओ
रात कटिए विच सहेड़ी दे ओ सुनिया ओना रात कटिए विच सहेड़ी दे ओ पुजे फिर सरहंद नाल ओ साजिश कड़ी दे पुजे फिर सरहंद नाल ओ साजिश कड़ी दे।